सहेगा। यस्नेहा ने काफी शॉकिंग सीक्रेट रिवील किए हैं पारस के बारे में, तो चलिए आपको सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं जिसमें यस्नेहा ने पारस की करतूतों के बारे में बताया। हद पार हुई जो कि 18th ऑफ अप्रैल को हुई थी, तो इस हद पार की वजह से जो है ना मैंने अब स्टैंड लिया है, तभी मैं अपने घर भी आई और बाकी सारी चीजें भी हुई। तो 18th ऑफ अप्रैल को इन्होंने मुझे जिस हद तक मारा था ना, मैं वो यहाँ पे पहले साइड में वो फोटोज आपको शेयर कर रही हूँ, आप पहले ये फोटोज वगैरह देख लो। और हाँ, अब ये बात कहेंगे कि यार ये फोटोज पे तो मेकअप हो सकता है या मैंने तो नहीं मारा, तो इसका जो है वो प्रूफ पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लो कि इनका और इनकी मम्मी का क्या कहना है। सिर्फ चार थप्पड़ दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कहता भाई मैं तो मारूंगा। हमने भी ये बात देख ली, इस महीने में तो तीसरी बार हो गया। तीसरी बार तो हो रहा है, मैं चल मानती हूँ। हाँ, इस महीने तो देख रहे हो। अब ये कहते हैं कि सिर्फ चार थप्पड़, तो पहले तो ये फोटो देखकर बताना ये सिर्फ चार थप्पड़ है। अगर ये सिर्फ चार थप्पड़ है तो प्रेस लाना और वो जो चदरों से लटकाना वो सब क्या था फिर? कि आज तो तुझे मारूंगा, जान से मारूंगा, ये कमरे से तेरी लाश बाहर जाएगी। हाँ ऑफकोर्स, वो रूम के अंदर जो चीजें हुई, जो चीजें बीती हैं वो मेरे ऊपर बीती हैं, तो उस चीज के लिए तो आप मुझे बहुत चीजें बोलोगे, लेकिन आपने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि हाँ मैंने मारा, आज सबको वो चार थप्पड़ दिख रहे हैं। तो मिस्टर, वो सिर्फ चार थप्पड़ नहीं थे, वो चार थप्पड़ होते हैं, सिर्फ कुछ नहीं होता है, थप्पड़।